हड़ताल इसलिए की गई क्योंकि सरकार आ जी लगातार सरकारी अदारों का जो भोग पा रही है। सानू लगता भी पूरी दी उचे पूरी सिक्ख है जी अज सरकार पट्ठा बिठाने लगी हुई है। सारे सरकारी कॉलेजों का माड़ा हाल है, यूनिवर्सिटियां का माड़ा हाल है। सरकारी अदारों दी जिहड़ियां ग्रांटां उन्हां ते कट ला रही है और प्राइवेट अदारों नूं जिहड़ा हैगा उह प्रफुल्लित किया जा रहा है। उन्हां दे विच इन्हां दे जिहड़े मंत्री आ उह फेरे भी पा के आउंदे आ, साढ़े कोल जदों आउंदे आ उदों कल्ले ऐलान करके जांदे आ, किते ऐलान कह दिंदे आ किते ग्रांटी कह दिंदे आ। उन्हें पहला मिलती 200 करोड़ की ग्रांट से भी भगवंत मान ने कट लाया, सिर्फ 164 करोड़ की ग्रांट यूनिवर्सिटी जारी की है, जिदे किसी भी हाल च यूनिवर्सिटी चलाया नहीं जा सकता। यूनिवर्सिटी की जी ग्रांट आ वो पिछली बार 200 करोड़ सी, इस बार इन्होंने 36 करोड़ वो भी घटाती। तो असं ये चाहते हैं कि सरकार आ जी जी सिक्ख्या के नाम से सत्ता दे विच आई आ वो जी हैगी सिक्ख्या की जिम्मेवारी चुके। पंजाब सरकार वालों पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला लई ग्रांट कटाए जाने विद्यार्थियों च रोस पाया जा रहा, लगातार सड़कों ते उतर के प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इसे विरोध के तहत अज बठिंडा दे रजिंद्रा कॉलेज के विद्यार्थियों वालों भी सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया गया। कॉलेज के मुख गेट से सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों ने कहा कि सरकार सरकारी अदारियों नूं बंद करके लगातार प्राइवेट अदारियों नूं प्रफुल्लित कर रही है। उन्हें कहा कि यूनिवर्सिटी की ग्रांट पिछले साल नालों घट की गई और सरकार अपनियां मशहूरियां उत्ते करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। विद्यार्थियों ने मांग की कि मान सरकार सिक्ख्या के मुद्दे नूं उच्चा चुकण के नाम से सत्ता विच आई है, तो सरकार नूं बखूबी तौर पर अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिए है। अज का यह जो प्रदर्शन है जी, ये पंजाबी यूनिवर्सिटी बचाओ मोर्चा पटियाले लग्या हुआ जो यूनिवर्सिटी अगे, उन्होंने ये कॉल सी कि पंजाब भर के जिने भी उच्च सिक्ख्या अदारे है उन्होंने हड़ताल करनी आ, इस करके असी अज की हड़ताल की आ। हड़ताल इसलिए की गई क्योंकि सरकार आ जी लगातार सरकारी अदारों का जो भोग पा रही हैगी, सरकारी अदारों दियां ग्रांटां उन्होंने कट ला रही आ और प्राइवेट अदारों जोड़ा है वो प्रफुल्लित किया जा रहा है। उन्होंने इन्हों के जिहड़े मंत्री आ उह फेरे भी पा के आउंदे आ, साढ़े कोल जदों आउंदे आ उदों कल्ले ऐलान करके जांदे आ, किते ऐलान कह दिंदे आ किते ग्रांटी कह दिंदे आ, पर इह सारियां गल्लां जिहड़ियां हैगियां इह झूठ साबित हो रहियां। यूनिवर्सिटी की जी ग्रांट आ उह पिछली बार 200 करोड़ सी, इस बार इन्होंने 36 करोड़ वह भी घटाती, जबकि जदों आपदियां मशहूरियां की गल आउंदी आ उदों इह सरकार 750-750 करोड़ रुपया खर्च दिंदी आ। तो असीं इह चाहुंदे आ कि सरकार आ जी सिक्ख्या के नाम से सत्ता दे विच आई आ वो जी हैगी सिक्ख्या की जिम्मेवारी चुके। असी चाहते हैं कि सरकार पंजाबी यूनिवर्सिटी का सारा घाटा जोड़ा वो पूरा करे और 150 करोड़ रुपया जोड़ा करजा यूनिवर्सिटी सर वनू जोड़ा है सरकार भरे। इन्नी सी मेरा नाम परमिंदर कौर है। अज पंजाबी यूनिवर्सिटी बचाओ मोर्चा वालों सारे कॉलेजों हड़ताल की कॉल सी, वो अज अस इतने भी हड़ताल की है क्योंकि सानू लगता भी पूरी दी उचे पूरी सिक्ख है जी अज सरकार पट्ठा बिठाने लगी हुई है। सारे सरकारी कॉलेजों का माड़ा हाल है, यूनिवर्सिटियां का माड़ा हाल है। उही यूनिवर्सिटी नूं बचाउण लई पिछले 24 दिनों तो उतों के विद्यार्थी प्रोफेसर ते मुलाजम बैठे हुए हैं, उन्होंने दिन रात उत्थे धरना लाया होया, उन्हां दी हिमायत च अज असीं इत्थे हड़ताल की है क्योंकि सानू लगता भी जे अज उह यूनिवर्सिटी 285 करोड़ के घाटे चल रही है, 150 करोड़ का उस यूनिवर्सिटी सरकर्चा, जे अज उह यूनिवर्सिटी बंद हुंदी है प्राइवेट हुंदी है तां कल नूं उहदा नुकसान साडे कॉलेजां ते भी आउणा, साडे आउण वाले भैण भरावां दी पढ़ाईआं ते भी आउणा। इस लई सानू लगता भी सानू अज लोड़ बनदी है उस सिक्ख्या नूं बचाउण लई असीं लड़ीए। जिहड़ी सरकार इह वादा करके आई सी कि असीं चंगी सिक्ख्या देवांगे चंगा रुजगार देवांगे, उही भगवंत मान यूनिवर्सिटी जाके यह ऐलान करता है भी असीं इस यूनिवर्सिटी नूं करजे जो कढ़ांगे तां करजा माफ़ करांगे। पर जिहड़ा हुण पंजाब सरकार ने बजट पेश किया, उन्हें पहला मिलती 200 करोड़ की ग्रांट से भी भगवंत मान ने कट लाया, सिर्फ 164 करोड़ की ग्रांट यूनिवर्सिटी जारी की है, जिदे नाल किसी भी हाल च यूनिवर्सिटी चलाया नहीं जा सकता। इसलिए लोड़ बनती है भी अज सारे विद्यार्थी इकट्ठे हो उस यूनिवर्सिटी बचाने लिए लड़न, उस मोर्चे की कॉल तहत असं अज इतने हड़ताल की है।
हाँ ये एक रोजा ही हड़ताल है, बाकी अगे जो कि बचाओ मोर्चा कोई कॉल देगा तो असं उस कॉल में भी हूबहू इतने लागू करांगे। प्रदर्शनकारियों का इल्जाम है कि सरकार कारपोरेट घराने की नीति से काम कर रही है तो प्राइवेट अदारिया प्रफुल्लित करने लिए सरकारी अदारिया के फंड लगातार घट कर रही है। उन्हें कहा कि जेकर सरकार शिक्षा नीति में सुधार करना चाहती है तो सरकारी अदारिया प्रफुल्लित करे और सिक्ख्या की नीति वाल सरकार ध्यान देने की लोड़ है। बठिंडा तो परविंदरजीत सिंह, पंजाबी लोक चैनल।